हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो आपको क्या खाना चाहिए। पांच चीज़ें मैं ऐसी बताने जा रही हूं जिससे आप एक महीने के अंदर कंसीव कर लेंगी। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, जब कोई भी कपल कंसीव करने की प्लानिंग कर रहा होता है तो दोनों को क्या खाना बेहद ज़रूरी है जिससे आप आसानी से कंसीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपको खाने के बारे में बताऊंगी और आपको कब इंटीमेट होना है, कैसे होना है, ये आज हम इसमें बात करेंगे। तो क्या होता है, जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना है। आप क्या खा रहे हैं और आपको क्या खाना है, आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, दोनों को ही, एक तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको फ्रूट्स खाने हैं, ये आपको खाने ही खाने हैं। आप ये एप्पल खाइए, एप्पल बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप पपाया खाइए, आप कीवी खा सकते हैं, आप फ्रूट्स मतलब बनाना खाएं। फ्रूट्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, जो भी हरी सब्जियां होती हैं आप वो भरपूर खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको बीन्स मतलब दालें, जो सारी दालें आप खा सकते हैं, दालें ज़रूर खाएं, दाल खाएं। और आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको अखरोट हो गया, अखरोट ज़रूर खाएं। अखरोट से आपकी जो आपकी फर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी दूर होती है। अखरोट, बादाम, और आपको ये चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी हैं। आप अंजीर खाएं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपको सब्जी, फ्रूट्स और दालें, ये तीनों चीज़ें खानी ही खानी हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको प्रोटीन लेना है। और दूसरी चीज़, पांचवी चीज़ जो मेन है, वो आपको करना क्या है। देखिए, जब भी आप इंटीमेट हो, कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी पीरियड डेट आपको ध्यान, ये लेडीज़ के लिए है, जेंट्स में मैंने जैसे आपको बताया है, आप ये चीज़ें ज़रूर खाएं दोनों कपल्स। और लेडीज़ को हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनकी जो पीरियड डेट है वो कितने दिन की है, मतलब आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की होती है। आपकी 28 डेज़ की पीरियड साइकिल है, 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है, या फिर 32 डेज़ की पीरियड साइकिल है। देखिए, सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग होती है, और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या फिर नहीं है, ये बेहद ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग कर रही हैं तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो मेरी पीरियड साइकिल से मेरा मतलब ये है कि सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूँगी, सबकी पीरियड साइकिल अलग अलग होती है। तो आपको पीरियड साइकिल से मेरा मतलब ये है कि आपको कितने दिन में पीरियड्स आ जाते हैं। तो अगर आपकी, जैसे मान लीजिए रेगुलर पीरियड साइकिल है, मतलब आपको हमेशा टाइम पर पीरियड्स आ जाते हैं, 30 डेज़ में या फिर 28 डेज़ में या फिर 32 डेज़ में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो इसको नॉर्मल पीरियड साइकिल और रेगुलर पीरियड साइकिल बोला जाता है। तो अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको हमेशा अपना ओवुलेशन काउंट कर लेना चाहिए, उसी हिसाब से आपको इंटीमेट होना है। तो जैसे मान लीजिए आपकी अगर 30 डेज़ की पीरियड साइकिल है, तो जिस दिन भी आपको पीरियड आ रहा है, वो कोई सी भी डेट है, आपको उस दिन को पहला दिन काउंट करना है। और उस दिन से लेकर के आपको जो आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो बीच का वो वन वीक जो बैठ रहा है, मतलब 12 डेज के बाद जो आपके दिन हैं, वन वीक हैं, उन दिनों में आपको इंटीमेट होना है। और आपको वन डेज का आप गैप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटीमेट होने के बाद आपको कुछ देर तक लेटे रहना है, तो उससे आपको क्या होगा, आसानी से कंसीव हो जाता है। और आपको पता ही है, पीरियड्स मिस हो जाना प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है। और इसके साथ साथ आपको कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे ब्रेस्ट में आपके चेंजेस दिखाई देंगे, आपको हल्का सा एब्डोमेन पेन हो सकता है, आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फूड क्रेविंग होती है, आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे आपके पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है। डाइजेशन प्रॉब्लम में मतलब किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें अगर दिखाई दे रही हैं और आपके पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, तो आपको 5 दिन का वेट करने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मतलब जो भी आपकी पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट है, जिस दिन भी आपको पीरियड्स आते हैं, तो उस दिन आपको पीरियड्स नहीं आएंगे और आपको ये सिम्टम्स भी फील होंगे, तो आपको 5 दिन का वेट हमेशा करें, उसके बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लगाएं। प्रेगनेंसी टेस्ट आप आसानी से घर में लगा सकती हैं, आप किट लीजिए, किट से
आपको मॉर्निंग यूरिन सैंपल लेना है, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ड्रॉपर से आप डालें। 2 से 3 मिनट के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आ गई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।